नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में अपने दोनों लेंस, जो मेरा पुराना लेंस था AF-S लेंस निकॉन का 1855 mm, और जो नया लेंस मैं परचेज करके लेके आया हूँ AF-P लेंस, वो भी 18-55 mm का ही है। तो इन दोनों लेंसेस में मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊँगा कि दोनों लेंसों में क्या क्या डिफरेंस है, किस में क्या खासियत है, किसके क्या प्लस पॉइंट है और किसके क्या माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पुराने लेंस के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा पुराना लेंस है, इसे मैं यूज़ करता था। ये लेंस था मेरा निकॉन का AF-S निकॉर 1855 mm, और ये जो था 1.3 से 3.5 से लेकर 5.6 इसका एपरेचर था, G2 मॉडल था, VR था। तो इस लेंस में क्या था दोस्तों, ये जो लेंस था, इस लेंस में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बटन आप देख रहे हैं कि ये ऑटो और मैनुअल का है। ये इसका फोकस का यहाँ पे बटन आता था, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। इसमें आप चॉइस कर सकते थे आपको मैनुअल मोड में फोकस करना है या ऑटो मोड में। ऑटो मोड में करते थे तो ये सब्जेक्ट को जो है अपने आप ही हंट करता था और फोकस उसका मैनेज कर लेता था। लेकिन अगर मैनुअल मोड में करना होता है तो ये लेंस जो है आपको जो है अपने आप ही फोकस इसका एडजस्ट करना पड़ता था इस रिंग की सहायता से। दूसरा, इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे ये VR जो ऑप्शन है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ था। VR आपको ऑन करना है, वॉइस रिडक्शन है इसका ऑफ करना है, वो यहाँ पे आप चूज कर सकते थे। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है, जो कि इन दोनों लेंस में खास डिफरेंस है। इस लेंस में ये फीचर दिया हुआ है। और जो नया लेंस है AF-P लेंस, ये वाला जो लेंस आप देख रहे हैं AF-P निकोर लेंस, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों बटन जो यहाँ से हटा दिए गए हैं। ये क्यों हटाए हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो सबसे पहले इसकी मेकिंग देख लेते हैं। दोनों लेंस की रेंज सेम ही है, 18-55 mm, ये भी 18-55 mm है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये लेंस जो मेरा है एक्चुअली ब्रोकन हो चुका है, टूट गया था। ये लेंस गिर गया था तो टूट गया, अचानक अंदर इसके क्रैक आ गया, तो लेकिन रिपेयर ये हो नहीं पाया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें, बच्चों के हाथ में ना दें। और ट्राई करें, अगर आपका खुद का लेंस है, खुद का कैमरा, तो अपने हाथ में ही रखें, किसी दूसरे के हाथ में ना दें, नहीं तो लेंस आपका जो है ब्रोकन हो सकता है, ऐसा कि मेरा टूट गया आप देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये नया लेंस लेके आया हूँ। यहाँ पे आपकी मेकिंग में पीछे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, ये फुली कवर्ड है यहाँ पे, बाकी प्लास्टिक बॉडी दोनों की ही है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसके ऊपर मिलता है, ये इस तरीके से है। और इस लेंस की क्या खासियत थी कि ये लेंस जो आपका एक यूनिवर्सल लेंस है, AF-S लेंस जो है एक यूनिवर्सल लेंस है। ये आप ज़्यादातर अपने DX कैमरे में यूज़ कर सकते हैं, सभी में एक लेंस जो है सूटेबल रहता था। लेकिन AF-P लेंस जो है, ये जो नया लेंस है, ये सभी DX कैमरों में सूटेबल नहीं है। ज़्यादातर जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये लेंस जो है 3400, 3300 और 500 सीरीज के जो कैमराज हैं उनमें ये लेंस जो है कंपेटेबल है, वहाँ पे ये लेंस जो है सपोर्ट करता है। बाकी जिस कैमरे में सपोर्ट नहीं करता है, उसमें आपको उसका फर्मवेयर अपडेट करना होगा, या करा सकते हैं निकॉन सेंटर पे जाके, वो लोग आपको उसका फर्मवेयर अपडेट कर देंगे, तो ये लेंस भी उसमें सपोर्ट करेगा। बाकी ये जो लेंस है, इस लेंस में आपको कोई फर्मवेयर सपोर्ट वो अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी DX सीरीज के कैमरों में ये लेंस सपोर्ट करता है, AF-S वाला। AF-P वाला लेंस सभी कैमरों में सपोर्ट नहीं करता है। अब इस जो नया लेंस मैं लेके आया हूँ, इसमें क्या खासियत है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे इसमें ये जो दो बटन हैं, यहाँ से ये दोनों बटन हटा लिए गए हैं। क्यों हटा लिए गए हैं, क्योंकि इस लेंस में जो मोटर है उसको ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और ये लेंस जो है फोकस जो है बहुत स्मूथली कर लेता है, चाहे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, मैनुअल मोड में करें या ऑटो मोड में करें, ये बहुत ही साइलेंटली आपका फोकस जो है हंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और नॉइस बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि इस लेंस से जब हम रिकॉर्डिंग करते थे या फोटोग्राफी करते थे, तो अगर मैंने इसे ऑटो मोड में कर दिया, यहाँ पे अगर इसे ऑटो मोड में कर देते तो इसमें जो है इसका जो फोकस एडजस्ट करता था, उसका साउंड आता था, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दिखाई पड़ता था। लेकिन जब मैं AF-P लेंस से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इसमें जो है वो नॉइस नहीं आता है। रिकॉर्डिंग के टाइम पर जो फोकस एडजस्टमेंट का नॉइस होता है, वो नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे इसमें बटन नहीं दिया है फोकस एडजस्ट करने का, लेकिन आपके कैमरे में जब आप ये लेंस फिट करेंगे, लगाएंगे, अटैच करेंगे,
तो वहाँ पे आपको इसके फिजिकल बटन में आपका इसका ऑप्शन आ जाएगा मैनुअल फोकस या ऑटो फोकस का, वो मैं आपको अपने कैमरे में जब इसको अटैच करूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग इस कैमरे से काफ़ी अच्छी होती है, इस लेंस से फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी होती है। फोकसिंग इसका मेन पार्ट है, फोकस बहुत अच्छा करता है, स्मूथ करता है, फ़ोटो काफ़ी अच्छे आते हैं इसके। पिछले वीडियो में भी मैंने एक फ़ोटो लेके दिखाया था और इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें फ़ोकस कितना अच्छा था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको इसमें आपके करके मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस लेंस को अब मैं जो इसमें फ़िट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मोटर जो लगा हुआ है वो इसका काफ़ी फास्ट कर दिया गया है, जो इसका इम्पल्सिव मोटर है वो इसमें फास्ट कर दिया गया है इस लेंस में, जिससे कि है इसकी साउंड जो है नहीं आती और फोकस बहुत जल्दी कर लेता है ये इस पुराने लेंस के मुकाबले। ये जो AF-S लेंस था ये फोकस करने में थोड़ा टाइम लेता था एडजस्ट करने में, लेकिन ये लेंस जो है फोकस बहुत जल्दी कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं कैमरे में फिट करता हूँ, उसके बाद आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं मेरा निकॉन D5300 है, 5300 है। इसमें कैमरा जो है बराबर सपोर्ट करता है, इसमें फर्मवेयर अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो 3400, 5300, 5500, 5600 ये जो सीरीज़ के लेंस हैं, कैमरा हैं, इनमें आपको कोई फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंस डायरेक्टली इसमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लेंस इसमें फ़िट कर देता हूँ। अब दोस्तों, जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बता दूँ, जैसे मैंने इसमें लेंस एक ही बार में लगाया, अटैच हो गया। काफ़ी लोगों से लेंस बार बार अटैच करना पड़ता है, उनको बराबर अटैच नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया और उस वीडियो की भी इन डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियो देख के लेंस कैसे फिट करना है आप सीख सकते हैं, ताकि आपका लेंस जो है जल्दी ख़राब ना हो। तो दोस्तों चलिए, अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है और इसको अभी मैं ये स्क्रीन का फुल लेंस को थोड़ा फोकस खोल देता हूँ। ये लेंस का मैंने एक फोकस खोल दिया है, आप देख रहे हैं स्पीड इसका 1000 है, फोकस अपर्चर 4.5 है, ISO इसका ज़्यादा है, ISO इसका थोड़ा कम कर देते हैं, नहीं तो इतना ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक सैंपल ले करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे आप सामने कि इसके एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस करूँगा जस्ट, और ये इसका फ़ोटो सेम टाइम पिक कर देगा। अभी सेम सेटिंग पे मैं आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ये है वीडियो रिकॉर्डिंग का मोड है। तो अभी जैसे ही मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करूँगा, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड का बटन आ रहा है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता जा रहा है। इसमें फ़ोकस आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, फोकस अपने आप करता जाएगा। फिर भी अगर लगता है कि वो कर रहा है तो आप यहाँ से रिंग से जो है इसका फोकस जो है थोड़ा अभी देखिए ब्लर होता जा रहा है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और एक पॉइंट पर ये यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लियर भी दिखा रहा है। दूसरा है दोस्तों इसका रिकॉर्डिंग, चलिए ऑफ़ कर देते हैं। कह रहा हूँ कि ये जो आई बटन आप देख रहे हैं कैमरे में, ये आई बटन आपको प्रेस करना है। ये आई बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो कैमरे की स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाएगा, और ये यहाँ पे आपके काफ़ी आते हैं, इमेज क्वालिटी है, इमेज साइज़ है। तो यहाँ पर इसकी जस्ट नीचे देखेंगे ये फोकस मोड है। तो यहाँ पर मैंने इससे मैं AF-F कर रखा है, इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे तीनों मोड आ जाएंगे। AF-S मतलब सिंगल फोकस करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा। AF-F आता है मल्टी फोकसिंग, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको फोकस ऑटोमेटिकली करेगा, और अगर आप इसका MF सेलेक्ट करेंगे तो ये मैनुअल फोकस पे सेलेक्ट करेगा। मैनुअल फोकस पे सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस रिंग से इसका फोकस एडजस्ट मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप इसको यहाँ पे रखें AF-F पे, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सबको अपने आप हंट करके उनका फोकस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का मेन पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि इस लेंस में और AF-P लेंस में और AF-S लेंस में क्या क्या डिफरेंस हैं, कौन कौन सा लेंस इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, दोनों की आपकी खासियत मैंने बता दी आपको। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और आपको अगर कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना के ला सकूं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।